आज जिस तरह का मूव रहा है सुमित, कल के लिए कोई स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? देखिए आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल्स के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है, मेटल्स के अंदर और तेजी बनेगी आने वाले दिनों में। आई थिंक इंडालको एक ऐसा काउंटर है जिसके अंदर 110 तक का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो मेटल्स के अंदर इंडालको में अगर थोड़ी सी भी कोई करेक्शन देखने को मिल जाती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे अगर करते हैं तो कोई हर्जा नहीं है क्योंकि इंडालको इमीडिएटली 110 के लिए ओपन हो रहा है और मेटल्स के अंदर सभी स्टॉक में स्पेसिफिकली टाटा स्टील, वेदांता, इंडालको और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक इंडालको के अंदर बाय करके चलना चाहिए। एक ग्रैनुलर्स इंडिया में सुमित बड़ा अच्छा ब्रेकआउट है आज 136.30, अभी इसको चेस करेंगे आप लॉन्ग साइड पे? ग्रैनुलर्स पूछा आपने जो 136 चल रहा है? हाँ। जी बिल्कुल, आज इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है। स्टॉक इंट्राडे के अंदर ही करीब करीब 7 से 8 रुपए का मूव दिखा रहा है। आई थिंक स्टॉक के अंदर इमीडिएट एक जो हर्डल है वो है 138.50 लेवल्स का। 138.50 का लेवल जैसे ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक मूव देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। आई थिंक स्टॉक के अंदर बाइंग बिल्कुल की जा सकती है और जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने बाइंग की है वो भी बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल जो लगाना होगा वो है 132 रुपीस का और ऊपर में जैसे ही ये 138 ब्रेक करेगा तो स्टॉक ओपन हो जाएगा 150 के टारगेट के लिए, जो कि शायद पॉसिबिलिटी है जून मंथ के अंदर ही देखने को मिल जाए। बिल्कुल, चलिए खैर कल के लिए आज कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो कि आप बीटी एसटी या फिर एसटीबीटी कर सकते हैं, ये बताने के लिए साक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया मिहिर, शुरुआत करते हैं रितेश जैन की कॉल्स के साथ। उन्होंने टाटा मोटर्स पर खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट बताया उन्होंने 430 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 414 का। इनकी बिकवाली की राय है वोट लास्ट पर और उन्होंने टारगेट यहां पर बताया 331 का, स्टॉप लॉस ऊपर में लगा सकते हैं हम 346 का। पुष्कराज कनितकर की तरफ से जो राय है ये वो रेमंड्स पर है और यहाँ पर ये बुलिश राय रखते हैं, टारगेट बताया 480 का और स्टॉप लॉस बताया 456 का। इनकी अगली पिक है बॉम्बे डाइंग और यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह दी है इन्होंने, टारगेट इन्होंने बताया है 49 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 44.50 का। निकिता सुरेखा की तरफ से भी दो कॉल्स हैं, आशापुरा माइन कैंप पर इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट यहाँ पर बताएं 77 के, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 70 का। इनकी अगली पिक भी बिकवाली की राय दे रही हैं ये सनफार्मा पर, टारगेट बताया 798 और स्टॉप लॉस ऊपर में हम लगा 820 का। शुक्रिया साक्षी, आप देखेंगे 6 कॉल्स बताने के लिए। इस बीच में एक दो ट्रेड्स और जोड़ना चाहूंगा, एक बार आप टाइटन को देखिए 360-480 पर और एक दो स्टॉक्स देखिए जिनमें अच्छा मूव है। केन 144 की ट्रेजेक्टरी में 4.5% 2 पर। नितेश, ये ओएनजीसी और केन यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के साथ क्या आउटलुक शेयर किया आपने? पिछली बार भी आप देखिए केन मार्च फर्स्ट वीक में स्टॉक 120 से 160 40 रुपए यानी करीब करीब 30% का मूव दिया इस स्टॉक ने और क्रूड में एक बार फिर तेजी है। 144 को एक अच्छा पिक पॉइंट, एक एंट्री पॉइंट मानते हैं क्या आप, स्पेशली इन द केस ऑफ केन? यस वीरेन, देखिए कि इनका जो चार्ट फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कहा कि 120 से हमने 160 तक देखा था, तो उसके बाद जो चार्ट पैटर्न है जो फॉर्म हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है एंड पॉसिबिलिटी है कि अब जब ये 160 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस करेगा तो उसके बाद फिर फर्दर हायर लेवल स्केल कर सकता है। हो सकता है कि इसमें मोमेंटम स्लो रहे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए हायर लेवल स्केल करने में, लेकिन जो चार्ट फॉर्मेशन है इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मेजर पोर्शन ऑफ प्राइस डैमेज जो स्टॉक को विटनेस करना चाहिए था वो ऑलरेडी विटनेस हो चुका है। अब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल हो जाता है फॉर इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर थोड़ा सा एक्टिव से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें बेटर रिटर्न आ सकता है एंड 160 के ऊपर जाता है तो चांसेस है कि फिर 180 एंड फिर 200 की तरफ भी बढ़त ले सकता है स्टॉक। बिल्कुल, एक्चुअली एक बार एसबीआई को देख लेते हैं, इसने जिस तरह का मुंह दिया था ऐसा लग रहा था कि एक हंगर है इसके अंदर और ये इस हफ्ते भी एक्सटेंड करेगा रैली को। आज ये 200 के ऊपर निकला लेकिन टिका नहीं। यहाँ पर सुमित, एसबीआई पर अब अगला टारगेट क्या रखना चाहिए? देखिए एसबीआई के अंदर एक तेजी तो बन चुकी है, फ्राइडे को जिस तरह का मूव देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा मूव था एसबीआई के अंदर। आई थिंक उसके बाद ये आज का दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन वाला दिन चल रहा है इसके अंदर। दोबारा जैसे ही ये 200 के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर टारगेट रखना चाहिए 225 का, जो कि जून मंथ के टारगेट हो सकते हैं। अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी सरप्राइज देखने को मिला हफ्ते भर बाद तो ये टारगेट अचीव हो जाएंगे एसबीआई के अंदर 225 के लेवल तक के। आई थिंक एसबीआई के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय बन रहा है और कन्विक्शन के लिए अगर 200 के ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग देगा तो अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर 220 से 225 के टारगेट बनेंगे। जब तक ये स्टॉक दोबारा 190 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर 195-196 के लेवल्स मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल पे भी बिल्कुल बाय कर सकते हैं एसबीआई के अंदर। नितेश, आप कुछ ट्रेड्स रिकमेंड करना चाहेंगे? आई मीन इस पूरे ट्रेडिंग वीक के प्रोस्पेक्टिव से नई सीरीज है, अभी स्टॉक्स हल्के भी हैं, वायदा कारोबार में थोड़े से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन, थोड़ा धीरे धीरे ओवर एडिशन शुरू होगा,
ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स मैच्योर होने शुरू होंगे, अभी आप किन स्टॉक्स को इस सीरीज के शुरू में एक्टिवेट करना चाहते हैं? मैंने देखिए कि जो दो स्टॉक हमको लग रहा है कि जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, मोमेंटम भी है, एंड पॉसिबिलिटी है कि फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीक जहाँ पे मोमेंटम ये इनके कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो है टेक महिंद्रा एंड TCS। ये दोनों का ही जो फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले वीक में जो जितने ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें दो स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। बाज़ार बंद होने जा रहा है एक पॉजिटिव नोट के साथ, अभी करीब 10 मिनट का समय बाकी है, लेकिन यहाँ वो ज़रूर है कि आज अगर ये कन्विंसिंगली फिर से एक बार अटेम्प्ट करता है 8200 के ऊपर निकलने की तो शायद थोड़ा बेहतर होता, लेकिन आप कई नंबर्स भी हैं, हैवी नंबर्स जिस पर बाज़ार की नज़र है और देखना होगा, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या फिर सन फार्मा, इन सब पर नज़र रखनी पड़ेगी। खैर, सन फार्मा आपको कैसा लग रहा है सुमित? देखिए, फार्मा के अंदर मोस्टली स्टॉक्स में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। आज डॉक्टर रेड्डी को अगर छोड़ दे तो बाकी स्टॉक्स में एक वीकनेस है। स्पेसिफिकली सन फार्मा की अगर बात करते हैं तो आई थिंक सन फार्मा के अंदर एक करेक्शन अभी भी बन सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर में टिक नहीं रहा है और एक ऊपर में हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप आज भी देखेंगे तो ऊपर में 840 से स्टॉक 810 के पास आ गया है। शायद हो सकता है कि रिजल्ट्स का एडवांस इंपैक्ट दे रहा हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक एक बार नीचे में अगर 790 या शायद 780 के भी लेवल दिखा सकता है। आई थिंक फ्रेश लॉन्ग एक बार नहीं करना चाहिए, फ्रेश लॉन्ग रिजल्ट्स देखने के बाद ही करना चाहिए। मेरे हिसाब से एज पर प्योर टेक्निकल्स अगर मैं जाता हूँ तो 835 840 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए, जिसके अंदर 880 900 के टारगेट बनते हैं। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाएगा एक काउंटर में वीकनेस देखने को मिल सकती है। नीचे में शायद ये सन फार्मा 790 या 780 के लेवल्स भी दिखा सकता है। चलिए इस बीच कुछ ट्रेडर्स कॉल्स को देखते हैं। एग्जैक्टली कुछ इस वक्त के नए ट्रेडिंग एरियाज। SMC ग्लोबल मानता है कि बाटा पे आपको दाव लगाना चाहिए। 570 का आप देखें सर है, करीब 585 के लक्ष्य के लिए 560 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। बाटा के बाद दूसरा ट्रेड जो है वो है SMC ग्लोबल का भारतीय एयरटेल विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 363-350 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, ये ट्रेड कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड इशू भी अच्छा है और इनफैक्ट आप डिलीवरी पर भी काम कर सकते हैं। और एक ही के नहीं है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। देखिए क्रूड के जो हालात हैं इस वक्त उसको देखते हुए आई थिंक हालांकि इसमें आप थोड़ा शफल कर सकते हैं क्योंकि वो काउंट 144-135 ऑलरेडी है, तो थोड़ा शफल करके आप इस ट्रेड पे डेफिनेटली कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक दो स्टॉक और जोड़ लेते हैं। आई थिंक मैंने RE से भी बात नहीं करी आज, और देखिए ये व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। अगर आपको कोई भी ट्रेड पूछना है, आप पूछना चाहते हैं स्टॉप लॉसेस टारगेट्स, तो आप उसको हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपसे डेफिनेटली संपर्क करेंगे। मैं REC की बात कर रहा था और REC देखिए आज डेरिवेटिव्स में काफ़ी एक्टिव था। 150 से इसने पुल बैक देना शुरू किया। आई थिंक जिसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये इसका ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये यकीनन आके 10 रुपये का, 15 रुपये का, 25 रुपये का, 35 रुपये का पुल बैक देता ही देता है। सुमित, REC के पुल बैक में एक 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने लेवल एकदम सही पकड़ा हुआ है। 150 का इसके अंदर एक डबल बॉटम बना हुआ है REC के अंदर, और वहां से हमको पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से होले होले छोटा छोटा मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये स्टॉक ऊपर में 167-170 तो इमीडिएटली दिखा ही सकता है। शायद हो सकता है कि 180 तक भी ये एक्सटेंड कर जाए। आई थिंक 160 पे 150 का स्टॉप लॉस लगा के एक चांस लेना तो बनता है REC के अंदर फॉर द टारगेट्स ऑफ 175-180 लेवल्स। हो सकता है आने वाले 4 से 5 दिनों में लेवल देखने को मिल जाए, एक चांस लेना जरूर बनता है। डबल बॉटम बना हुआ है तो यहाँ से पुल बैक तो लेना चाहिए करीब करीब 10-15% का प्रेजेंट लेवल से। नितेश, मुथूट फाइनेंस पर आपका टारगेट क्या है? अगला 8.5% ऊपर है। देखिए मेरे के इसमें भी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अब यहाँ से ये जो गेन है ये कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं ये कहना टफ हो जाता है। लेकिन अब इस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन किया जा सकता है। हाँ, अगर मार्केट अंडरलाइंग कंडीशन थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो इसमें और एडिशनल 3-5% का गेन आ सकता है करंट लेवल से। चलिए इस बीच थोड़ा सा मैं चलता हूँ मिड कैप में बफेट से, और कुछ इनफैक्ट मिड कैप के साथ में कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी देखूंगा जहाँ पर आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था और वॉल्यूम्स पर आप देखें जहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं परसेंटेज विनर्स विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। इस कैटेगरी में आप एक स्टॉक देखिए इनफैक्ट जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, ECE इंडस्ट्रीज करीब 18% ऊपर रहा। थोड़ा सा अगर आप देखें स्टॉक्स, वो शायद आप बहुत जानते नहीं होंगे इस स्टॉक्स को, लेकिन 32 रुपये ऊपर करीब 211 के स्तर पर। उसके बाद देखिए आप एक और स्टॉक फिनोलेक्स केबल्स, लगभग
₹48 ऊपर रहा 342 के स्तर पे, क्या तेजी थी इस स्टॉक में आप देखिए। क्रॉम्पटन ग्रिव्स का जिक्र मिहिर कर चुके, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद देखिए आप महानगर टेलीकॉम MTNL, ये भी ऑलमोस्ट नतीजों के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वॉल्यूम्स के साथ। एक तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, ये करीब ₹23 ऊपर रहा आज, करीब करीब 9% का इजाफा। एलजी इक्विपमेंट्स 7.5% ऊपर, ₹12 की मजबूती के साथ 176 के स्तर पे। मुथूट फाइनेंस का जिक्र अभी मिहिर ने किया। उसके बाद और कुछ काउंटर्स, इरोस इंटरनेशनल आज सुबह भी इनफैक्ट हम इस स्पेस पे डिस्कशन कर रहे थे, 193.80 ऑलमोस्ट अ डे हाई, अगर आप देखिए इसने स्ट्राइक किया। और एक महाराष्ट्र सीमलेस को देखिए, 15% ऊपर महाराष्ट्र सीमलेस। और उसके बाद और कुछ काउंटर्स में अगर आप देखिए तो कामत होटल्स 34.30 पे, सुमित 34.55 पे, नहीं इसको स्किप करता हूँ, अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा ये। उसके बाद एक IDFC 52 के स्तर पे 9%। IDFC बहुत दिनों बाद ये मूव देखा सुमित, IDFC पर आपकी राय इस वक्त इस प्राइस पे? जी बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद हमको मूव देखने को मिला IDFC के अंदर। आई थिंक IDFC के अंदर भी एक अब जो इतने दिनों का कंसोलिडेशन फेज था उसका ब्रेकआउट आने के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। 52 के ऊपर इसकी फाइनल क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। एक बार ये स्टॉक 53 के ऊपर इसकी क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। एक बार ये विद वॉल्यूम के साथ 53 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये स्टॉक के अंदर आपको 10 से 15 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 62 से 65 रुपए की चाल बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो एक फाइनल क्लोजिंग देख लीजिए स्टॉक की, एक दो दिनों में अगर 52-53 के ऊपर आ जाती है विद वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से बेस्ट बाय है। वैसे भी ये स्टॉक अगर नीचे में मिलता है 48-47 तो बहुत अच्छा बाय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और आप 15-20% का मूव तो मिनिमम मांग के चले स्टॉक के। और एक स्टॉक नितेश, इरोज इंटरनेशनल, ये अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सुबह से स्ट्रांग है इनफैक्ट, और अच्छा मूव अभी भी बना हुआ है। इरोज पर आप क्या सलाह देंगे? यस, इरोस में भी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन डेवलप हुआ है मेरे, देखिए कि जो अगर जो लेवल वाइज अगर हम देखते हैं तो 205 का जो बैरियर है ये नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके आसपास ये स्टॉक चला जाता है और यहाँ पे ट्रेड करता है कुछ समय तक तो ये फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक के लिए, एंड उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी बनेगी कि स्टॉक कैन मूव टूवर्ड द लेवल ऑफ से 225-230 के। तो यस, जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव और इंडिकेट कर रहा है कि इसमें फर्दर हायर लेवल स्केल होने के चांसेस हैं।